दोस्तों वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हुए कुछ भी जानकारी चाहिए होती है मेरे से रिलेटेड, आप सबका रिप्लाई मिल जाए कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू लोकेशन, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी भाई, आप सब आज का हमारे न्यू ब्लॉग। भाई फिलहाल भाई मैं आया हुआ हूँ उसके दिल्ली सबसे विशाल मेलों में से, इसका नाम है भाई आईपी एक्सटेंशन, बाकी जो कि लगा भाई दिल्ली के ईस्टर्न पड़पकन साइड में। यहाँ भाई कैसे लोकेशन क्या रहने वाली है, नज़दीकी मेट्रो क्या रहने वाला है, मेले टाइमिंग क्या रहने वाली है, यहाँ भाई कौन कौन से आप झूले झूल सकते हैं, बच्चों के लिए क्या क्या खास रहने वाला है, फूड वगैरह क्या कुछ खा सकते हैं, कंप्लीट डिटेल है अच्छे ब्लॉग में। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, चलिए शुरू करते हैं। गेट नंबर 2 से एग्जिट लेना है आईपी एक्सटेंशन मेट्रो से, देन आपको 100 मीटर आगे मिल जाएगा मेला, तो पूरे यहाँ से मेन एंट्रेंस रहने वाला है मेले का। आपको जितना मेले में एंटर लोगे पहले आपको मिलेगा आउटसाइड को मिल जाता है, ऐसे स्टॉल मिल जाते हैं जहाँ पर आपको यहाँ से बलून्स मिल जाएंगे, गुब्बारे मिल जाएंगे बच्चों के लिए, देख रहे होंगे ऐसा ही बोले मिल जाते हैं आपको काफ़ी सस्ते रेटों में, क्योंकि देख रहे होंगे पूरे यहाँ पटरी पर स्टॉल्स लगे हुए हैं सभी चीज़ों के, बच्चों के लिए मिल जाते हैं आपको गधे त्रिशूल लकड़ी वाले जो भी मिल जाते हैं आपको 50 रुपये तक मिल जाएंगे आपको चीज़ें सारी, देख रहे होंगे आप ये ऐसे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, इसके बहुत सारे टॉयस वगैरह मिल जाते हैं बच्चों के लिए, बहुत चीज़ें यहाँ पे बच्चे, ये देखिए ये मिल जाएंगी, बंदूक मिल जाएंगे, गन्स वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस गेट बना हुआ है जो कि आप देख रहे होंगे, केदारनाथ में शिव जी का मंदिर है वैसे केदारनाथ और यहाँ पे एंट्रेंस बना हुआ है कुछ भाई, देख रहे हैं वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार यहाँ पे एंट्रेंस बना है, अंदर ले लिया पूरा मेले के अंदर को, यहाँ पे कुछ ही एंट्रेंस ऐसे दिख जाता आपको देखने के लिए, ये देखिए ऊपर काफी अच्छी लाइटिंग्स वगैरह की गई दोनों साइड में और ऊपर की ओर भी। यहाँ के लोकेशन रहने वाले डीडी स्टॉप ग्राउंड होगी जो कि यहाँ नजदीकी में रहने वाला आईपी एक्सटेंशन का गेट नंबर 2 से एग्जिट लेना आपको, देन वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे आपको मेला दिख जाएगा भाई। यहाँ पे टाइमिंग रहने वाली है मेले की इवनिंग में 7:30 से लेकर आपको 12 बजे तक, यहाँ पे आपको 20 से ज़्यादा झूले झूले मिल जाते हैं बच्चों के लिए, बड़े बड़े सभी यहाँ पे झूले मिल जाते हैं, 20 से ज़्यादा हम झूले मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे स्टॉल्स मिल जाएगा काफ़ी अच्छा फूड खाने के लिए, जो कि 50 से ज़्यादा में फूड्स आप इजिली खा सकते हैं, इनके रेट रहने वाले हैं 100 रुपये स्टार्टिंग रेट होते हैं भाई यहाँ के शूट गन्स वाला, इसके रेट रहने वाले हैं 50 रुपये का 5 शॉट देंगे आपको 100 के 10, ये देखिए बहुत लोग यहाँ पे तीरंदाजी करते हैं अपनी अपनी कला की। भाई क्या रेट है, 100 रुपये के 10 शॉट है, 50 के 5 शॉट मिल जाते हैं आपको, देखिए वैसे आप एंटर लेते हैं मेल के अंदर भाई मिल जाते हैं बेटा झूला, वो इसकी टिकट रहने वाली 180 की टिकट रहने वाली है जो कि आप देख रहे होंगे, ये जहाँ पे झूला ब्रेक डांस का है, देन इसके आगे है एरोप्लेन वाला झूला, इसकी टिकट का रहने वाली चलते हैं, यहाँ पर ये रहने वाला इसकी टिकट मात्र रहने वाली 150 रुपये टिकट है जो कि आप देख रहे होंगे वाला, इस तरह से रहने वाला एरोप्लेन वाला सर्व घुमाते गोल घुमाते रहने वाली सामने की ओर, सबसे बड़ा झूला पूरे मेले का और सामने सबसे बड़ा झूला मेले का जॉइंट स्विंग भाई की, जो कि इसका लाइट वगैरह जली नहीं है लेकिन अफेक्टिव बहुत करता है सभी मेलों में, जो झूला है सबसे समय पूरे मेले में झूले बनाता है, फिलहाल तो वही चल रहा है लाइट वगैरह नहीं चल रही है अभी, पता नहीं क्या इशू है ये तो यही जाने, लेकिन सबसे जितने महत्वपूर्ण झूले होते हैं बहुत मेन झूले में से यही होता है, टिकट रहने वाली है 150 रुपये फिलहाल, और जितना मेला पास आता है दशहरा उनकी टिकट रेट थोड़ा बढ़ जाते हैं, ये यहाँ का टिकट काउंटर है यहाँ का जिसकी टिकट फिलहाल 150 रुपये की है, और जितना मेला पास आएगा रेट बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है मोबाइल पूरा साथ में रखे हैं, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है मेले वाले, ये भी बहुत फेमस है, उसकी टिकट भी है 150 रुपये की, और यहाँ सामने है बच्चों वाला कार झूला, ये भी है बहुत शानदार, इसकी टिकट रहने वाली है मात्र 100 रुपये की टिकट है बच्चों के लिए और 50 वाली भी अवेलेबल है, सामने का मिल जाता है थोड़ा बगल में कोलंबस की यहाँ मिल जाता है मिक्की माउस झूला, उसकी टिकट मात्र रहने वाली है 100 रुपये की टिकट है बच्चों के लिए, बहुत खास है।
थोड़ा आगे मिल जाता है, डक वाला झूला मिल जाता है बच्चों के लिए, जो भी इसके रहने वाली मात्र 100 रुपये टिकट है, जैसे देख लोगे आप, बहुत ही शानदार झूला बच्चों के लिए भाई, बहुत ही ज़्यादा खास है। बाकी सस्ते रेट में भी है, बाकी आप इन्जॉय कर सकते हैं, बच्चे यहाँ खूब सर इन्जॉय करने वाले हैं, तो फटाफट लेकर आ जाओ रामलीला ग्राउंड हाई फोर्ट। भाई यहाँ पे है ये वाला एरोप्लेन झूला, जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रखा है, देख रहे बहुत भीड़ लग चुकी है यहाँ पे सामने की ओर, क्योंकि यहाँ से वे रास्ता बने हुए हैं, यहाँ पर लोग चढ़ने के लिए वेट कर रहे हैं सारे, मैजिक डांस जो भाई नया ऐड हुआ यहाँ पे, पहले ऐसा कुछ नहीं था इस मेले में, तो ये हाल में ऐड हुआ वाला है। ड्रैगन ट्रेन जिसकी टिकट रहने वाली मात्र 100 रुपये टिकट है फिलहाल तो, और जितने मेरा दशहरा पास आएगा भाई सभी ऑलमोस्ट सभी ट्रेन की टिकट बढ़ जाती है, जितनी झूले वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं देख रहे हैं। ड्रैगन डांस, ड्रैगन ट्रेन, ट्रेन का नाम है झूले का। अब वो पूरा सर्कल घुमा के लाती है यहाँ से, गोल गोल टाइप का कुछ, बहुत नीचे से आएगी फिर ऊपर फ्री आएगी। देखिए भाई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शानदार शानदार, बहुत ही क्या ही तारीफ करूँ झूले की, बहुत मजे लेते हैं बच्चे यहाँ पे। इसकी ट्रेन रहने वाली मात्र 100 रुपये की है फिलहाल तो, भाई आपको 15 से 20 बच्चे घुमाएंगे, और इसमें बच्चे गाड़ी चला सकते हैं, आपस में ठोक सकते हैं, ऐसे मतलब ऐसे कुछ रहने वाला है वाला। देख रहे होंगे बहुत फैमिलीज वगैरह आई हुई है यहाँ पे, देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड से आपको मिल जाता है, पूरे लोग मिले यहाँ पे। जस्ट बगल में 360 लाइट भी है, उसके क्या प्राइस यहाँ पे चलते हैं पहले आपको दिखा दें थोड़ा बहुत, ये देखिए बहुत बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। देखो वो तो लड़की फंस रही है बच्चे चश्मे वाली, निकाल नहीं पा रही है अपना गाड़ी, एरोप्लेन वाला झूला सीट रहने वाली है 120 रुपये की फिलहाल तो। भाई इतना बेचारे पास आएगा, मैं भाई बार बार चीज बता रहा हूँ, जितना पास आएगा कितने घंटे बढ़ जाती है शुरू की, तो इसके लिए आप जितना देख जाके आए। और दोस्तों मेले के साथ आप यहाँ पे आप आनंद ले सकते हैं भव्य रामलीला का, बाकी जो कि हो रहा है मेरे बैक साइड की, और वहाँ पे आपको पूरा कवर कराता हूँ रामलीला कब से कब तक शुरू होने वाली, कब से क्या क्या रहने वाले, कौन कौन से आप कार्यक्रम होने वाले रामलीला के अलावा, पूरा डिटेल देता है चल के, बाकी बने रही है मेरे साथ। ये आती है CCTV कैमरा केंद्र, और यहाँ मिल जाता है आपको चिकित्सालय जो कि कैलाश डुमा था, यहाँ पे गुमशुदा केंद्र भी है, और यहाँ सामने मिल जाता है स्टेज आपको बैठने के लिए, यहाँ पे 500 रुपये एंट्री होती है आगे की ओर, और यह पूरा काफ़ी बड़ा स्टेज बना हुआ है बैठने मेले के लिए, पूरा पास से दिखाते हैं आपको। नाम है स्वागत कक्ष जो कि आप देख रहे होंगे, सो ऐसा कुछ रहने वाला है यहाँ का, भाई आप देख रहे होंगे बहुत ही शानदार यहाँ पे भव्य रामलीला का यहाँ पे कार्यक्रम स्टेज बना हुआ है, मंच देख रहे होंगे, ये वाल वाटिका करके है चित्रकूट, और ये लंका वाला है जो सेशन है, ये पूरा लंका का है, ये लंका है, क्या है ध्यान नहीं आ रहा भाई, अयोध्या टाइप का कुछ ये बना हुआ है। यहाँ पे पूरी रामलीला यहाँ पे चलने वाली है 3 से लेकर 12 अक्टूबर तक, और टाइमिंग रहने वाली है 7:30 से रात को 12 बजे तक, देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पे भव्य रामलीला का। तो सामने भाई रामलीला का मंच है, और सामने का मिल जाते हैं सीटिंग एरिया काफ़ी अच्छे, यहाँ पे सोफे बने हुए हैं आपकी सीटिंग के लिए, जो कि आप देख रहे हो भाई जितनी VVIP सीट यहाँ पे सोफे मिल जाते हैं, जो पीछे की सीट रहने वाली यहाँ पे नॉर्मल सीट रहने वाली कुर्सियाँ मिल जाती हैं आपको। सुबह ये पूरा देख रहे होंगे VVIP सेशन है, और आगे VIP है, उसके पीछे नॉर्मल सेशन है, यहाँ पर आपको चेयर्स मिलेंगी, और VVIP वाले सोफे मिल जाते हैं आपको। ये देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बनाया गया, और भाई यहाँ पे बन रहे रावण फिलहाल, वहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है, बस रावण आप बन जाएंगे तो आपको दिखा देंगे अपकमिंग डेज में अंदर। सो वहाँ पर काम चल रहा है रावण का, जो कि यहाँ पर खड़े होने वाले हैं मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, यहाँ पे तीन यहाँ पे रावण खड़े होने वाले, तीन रावण के पूर्ति खड़े होने वाली, और एक सेशन यहाँ पे बैठने मिल जाता है आपको सामने की ओर, देन वहाँ से आप सिटिंग करके बैठ के आप आनंद ले सकते हैं रामलीला का। ये है मनोज कुल्फी वाला सीताराम बाजार दिल्ली छह, बाकी जो भी ये बेच रहे हैं फ्रूट आइसक्रीम।
कि आपको ढाब मिल जाते हैं, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न और सॉफ्टी आइसक्रीम और फ्रेश जूस वगैरह मिल जाते हैं आपको, जिसके रेट रहने वाले हैं 50 रुपये 40 रुपये कम से कम। हम जाते हैं भेलपुरी, आपको इसके रेट रहने वाले हैं 50 रुपये 100 रुपये। हमारे यहाँ मिल जाता है आपको चूरमा लड्डू और कचौड़ी और पूड़ी वगैरह मिल जाती है, पूरी प्लेट मिल जाती है। राजस्थानी खाना मिल जाता है आपको, ये देखिए राजस्थानी भोजन भाई बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ये देखिए बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, पाव भाजी वगैरह हैं, हलवा वगैरह हैं, बहुत चीज़ें। राजस्थानी पहनावा भी भाई साहब पहन के। भाई कौन से लड्डू है ये? मुमरा लड्डू और ये वाले, ये मिर्च पकौड़ा, इतना बड़ा मिर्च होता है क्या? और ये हलवा है अपना, और ये दावेड़ी है, और ये मूंग दाल का हलवा भी है। देखिए बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, पूरा भोजन यहाँ पे राजस्थानी वाला है। मनोरंजन गेम लकी ड्रॉ के 6 बॉल मिलेंगे, नंबर जोड़ने पे आपको जितनी 6 बॉल मिल देंगे 50 रुपये की, जितने आपको नंबर एक ऐड होंगे उसके भी आपको यहाँ पे गिफ्ट मिलेगा। आपको कितने नंबर मिलेंगे बनेंगे उसके आपको जिस नंबर जोड़ से गिफ्ट होगा आपको मिल जाएगा वाला। सामने 6 गेंदे इसमें डालेंगे, नंबर ऐड करेंगे, जस्ट बगल में ये इसके रिंग स्टॉल, क्योंकि रिंग फेंकना आपको जिस तरह से फेंक रहा होगा भाई, ये देखिए शिट नहीं गया, जैसे रिंग जाएगा सुन जाएगा, और शिट ये भी नहीं गया। ऐसी चीज़ें रहने वाली हैं, मिल जाती है 50 रुपये की 6 रिंग्स, रिंग्स में आप डालेंगे सामान आपका हो जाएगा, वो जगह जाता ही नहीं कभी। भाई कहाँ से हो? कहाँ से? गाजीपुर से आए हो? क्या रेट है भाई? भाई क्या रेट है? क्या रेट है? अच्छा ये देखो, कोई मिल जाते हैं गुब्बारे मिल जाते हैं बच्चों के लिए, मिक्की माउस वाले भी हैं, आई मीन स्पाइडरमैन वाले हैं, डक वाले हैं, मछली वाले हैं, जो क्रिएट रहने वाले हैं 80 रुपये के हैं। हमें फूटे वगैरह मिल जाते हैं बच्चों के लिए, मिल जाते हैं 60 रुपये 50 रुपये, डिपेंड करता है क्या सामान ले रहे हैं, और रेट ऐसे रहने वाले 50 60 80 100 के लपेट पर रहने वाले, जो कि माता जी बेच रहे हैं यहाँ पे, आप आगे जल्दी परचेज कर सकते हैं। अरे देखो तो एक और दोस्तों ये वीडियो में यहाँ तक पहुँचिए, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए होती है इस मेरे रिलेटिव आप सबका रिप्लाई मिल जाए कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं न्यू ब्लॉग में न्यू लोकेशन, जब तक के लिए टाटा।